चलिए देखिए, क्वेश्चन देखिए जल्दी से। ये लिखा है ये डाई जो है वो लूडो खेलते हैं ना, उसमें एक एक दो तीन चार पाँच छः लिखा रहता है, वो वाली डाई है? वो वाली नहीं है, महाभारत वाली नहीं है वो, तो ठीक है। तो ये डाई जो है, ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखिए आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ए प्राइम नंबर। तो सबसे पहली बात है प्राइम नंबर समझ लीजिए क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो उसी खुद से ही डिवाइड होंगे या वन से होंगे। जैसे कि टू प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है, थ्री को थ्री से ही डिवाइड होगा या वन से। फाइव प्राइम नंबर है, फोर नहीं है, फोर टू से डिवाइड हो रहा है। जो और किसी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं वो प्राइम नहीं है, बाकी प्राइम। अच्छा आप देखिए, तो अब यहाँ पे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखेंगे। देखो ये ध्यान से समझो, डाइस में क्या क्या होता है। देखो वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, सिक्स तक होता है। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? सिक्स। ठीक है, गिन लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसके बाद फर्स्ट वाला, तो प्राइम नंबर फेवरेबल आउटकम क्या है? देखो फेवरेबल आउटकम क्या है, ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होंगे, देखिए प्राइम नंबर इसमें से टू है, वन को नहीं गिनते, ध्यान रखना है, थ्री है, फाइव है, यानी कि तीन है प्राइम नंबर। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम। थ्री वन जो थ्री, थ्री टू या सिक्स आंसर। देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर आउटकम ऊपर फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल थ्री है, टोटल सिक्स है, समझते चलो इसको। दूसरा देखो, ए नंबर लाइंग बिटवीन टू और सिक्स के बीच में, टू और सिक्स के बीच में कितने, थ्री फोर फाइव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम आपका क्या है, फेवरेबल आउटकम है टू और थ्री के बीच में, कितने आए, टू और सिक्स के बीच में, इसके और इसके बीच में आएंगे थ्री फोर फाइव, यानी कि ये भी तीन है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, थ्री अपॉन सिक्स, थ्री वन या थ्री, थ्री टू या सिक्स, वन अपॉन टू ही आएगी। इसके बाद सवाल नंबर थर्ड, थर्ड में क्या है, देखो एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आपको बताइए, वन थ्री फाइव। तो इसमें भी सीधे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, फेवरेबल क्या होंगे, देखो वन थ्री फाइव यानी तीन है, थ्री अपॉन सिक्स टोटल है, तो वन बाई टू, सबको वन बाई टू ही आ रहा है, लिख लीजिए।